السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما. हमारा मौजू सर्फ है। लुगा अलअरबिया को समझने के लिए नहव और सर्फ बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। तो सर्फ की बुनियादी कुतुब में से किताब इब्तदाई कवायद सर्फ वो आपके सामने है, और इसका सबक नंबर एक आज हम पढ़ेंगे, और फिर इसकी मशक के मुतालिक तीन सवालात हैं। सवालात तदरीबात में हम वो भी हल करेंगे। पहला सबक इस्तिलाहात के हवाले से है। इस्तिलाहात इसका नुतक अच्छी तरह जबत कर लें। इस्तिलाहात इस्तिलाहात तो आके नीचे कसरा पड़ना है। इस्तिलाहात हर फन के मुतालिका कुछ उसकी बुनियादी इस्तिलाहात होती हैं, बुनियादी इस्तिलाही अल्फाज होते हैं। उनको याद करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि उस फन में आगे सारी वो इस्तिलाहात ही इस्तेमाल होती हैं। तो उन इस्तिलाहात में से बुनियादी यहाँ पे चंद जिक्र की गई हैं, यह आपको पहले भी आती होंगी। सबसे पहली है हरकत। हरकत 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 जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। हरकत मसलन लफ्ज़ है ज़ैदुन, तो जबर ये ज़ा के ऊपर होगी, पेश दाल के ऊपर होगी, और या के ऊपर ना जबर है ना जेर है ना पेश है, तो या के ऊपर क्या है, या के आने वाला सुकून, सुकून जो है वो या के ऊपर है। तो जबर जेर पेश हो तो हरकत, अगर जबर जेर पेश ना हो तो उसको सुकून बोलते हैं। और जिस पे हरकत होगी, ज़ा के ऊपर हरकत है, इसको बोलेंगे मुतहर्रिक। मुतहर्रिक मुतहर्रिक माना हरकत वाला, और ये दूसरी इस्तिलाह यही है मुतहर्रिक मुतहर्रिकुन मुतहर्रिक। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक इस्म फाइल का लफ्ज़ है। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। और जो हरकत है, पहले इसका नाम आ भी गया ज़बर ज़ेर पेश, और अरबी में इसके ये नाम है फतह कसरा जम्मा, और उर्दू में ये नाम है ज़बर ज़ेर पेश। बुनियादी तौर पे ये फ़ारसी के अल्फाज हैं और उर्दू में फिर इस्तेमाल हुए, और उर्दू ऐसे ही लश्करी ज़बान है, तमाम ज़बानों से इसने अल्फाज लिए हैं। ज़्यादातर इसके अंदर अरबी के अल्फाज और फिर दूसरा नंबर फारसी का है। तो फतह कसरा जम्मा फतह कसरा फतह कसरा जम्मा फतह के बराबर ज़बर ज़ेर पेश, फतह ज़बर कसरा ज़ेर जम्मा पेश। फतह ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, और जम्मा पेश को कहते हैं। और जो ये चीज़ें हैं ये भी आप साथ ही समझ लें। फतह से मफतू, जम्मा कसरा से मकसूर, जम्मा से मजमूम। फतह कसरा जम्मा और फतह से मफतू, ये मफतू, और कसरा से मकसूर और जम्मा से मजमूम। तो फतह जिसके ऊपर होगा वो मफतू, जैसे ज़ा के ऊपर फतह है तो ज़ा मफतू होगी, मुतहर्रिक हरकत होगी, हरकत वाला है, और हरकत कौन सी है, फतह है तो मफतू होगी। तो इसकी मिसाल इन्होंने अल किताब के अंदर सारी जमा कर दी है। अल किताब किताब।
तो ता के ऊपर फतह है तो ता होगी है मफतू, और काफ के नीचे कसरा है तो काफ हो गया मकसूर, और किताबों बा के ऊपर जम्मा है तो बा हो गई मजमूम। ये है फतह कसरा जम्मा और मफतू मकसूर मजमूम। फतह जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं। अब इनको साथ मिला लें, फतह से मफतू वो हर्फ जिस पर फतह हो यानी जबर हो, जैसे अल किताब में ता, ये वाली ता। मकसूर वो हर्फ जिस पर कसरा यानी जेर हो, जैसे अल किताब ये काफ जो है मकसूर हो गया। मजमू वो हर्फ जिस पर जम्मा यानी पेश हो, जैसे अल किताबों में बा है, अल किताबों में बा। दरम्यान में ये दो लफ्ज रह गए हैं सुकून, तो अल लाम के ऊपर सुकून है अल, तो लाम हरकत ना होने को सुकून कहते हैं, और उसकी अलामतें ये हैं छोटी दाल, गोल दायरा और ये वाला होता है। मसलन जईदुन आपने लिखना है तो जईदुन के ऊपर ये लिख दें, ये लिख दें, या गोल दायरा लगा दें। और अरबी में गोल दायरा भी इस्तेमाल होता है और ये उल्टा भी इस्तेमाल होता है, और ये उर्दू वाला अरबी में कम होता है, दाल जो छोटी होती है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है मुशद्दद वाहिद तस्निया जमा मुशद्दद, जैसे मद्दा दाल के ऊपर शद है वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, तशदीद की अलामत, जैसे मुहम्मदुन में दूसरा मीम तो मद्दा में दूसरी दाल। ये मद्दा असल में मद दा, तो दाल का दाल में इदगाम कर दिया, बन गया मद्दा। तो ये दूसरी दाल जो है ये है मुशद्दद, उसके ऊपर शद दी गई है। हाँ अफवन, दूसरी दाल कह रहा हूँ, ये मोहम्मद की दूसरी मीम, ये पहली मीम नहीं बल्कि दूसरी मीम। तो दाल तो एक ही है, हाँ दाल पहले थी दो, मादा दा, इसकी सुकून गिरा कर फतह गिरा कर, तो फिर इसका इसमें इदगाम कर दिया, ये बन गया मद्दा। ये आप आगे पढ़ेंगे, जैसे मोहम्मद में ये जो मीम है ये शद वाली है, मद्दा में ये दाल शद वाली है, मुशद्दद दाल मुशद्दद है, ऐसे बोलेंगे दाल मुशद्दद। मोहम्मद में मीम मुशद्दद है। वाहिद तस्निया जमा, ये तीन इस्तिलाहात बिल्कुल आसान सी। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को, जमा दो से जायद को। दो एक दो और दो से जायद तीन चार पाँच, आगे चलते जाएं ये सारी जमा के अंदर आएंगी। वाहिद तस्निया जमा हो गए। आगे है मुतकल्लिम मुखातब और गायब। मुतकल्लिम आमतौर पर बोल देते हैं मुतकल्लम, तो लाम के ऊपर जबर बोल देते हैं, लाम के ऊपर जेर है, इसको अच्छी तरह जबत कर लें। मुतकल्लिम मसलन आप बात कर रहे हैं तो आप हैं मुतकल्लिम, और जो आपके सामने खड़ा हुआ है जिससे आप बात कर रहे हैं वो है मुखातब। तब बोलना है, मुखातिब नहीं बोलना, तब जबर को काबू करें। मुखातब जिससे खिताब किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो मुखातब। और जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो तो आप हो गए, आप एक बात करने वाले और जिससे बात कर रहे हैं, अगर एक जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक मुखातब होगा, अगर दो हैं तो वो दो मुखातब होंगे। अगर 100 आदमी बैठा हुआ है मस्जिद में, आप जुमा पढ़ा रहे हैं या दरस दे रहे हैं या वैसे कोई बयान कर रहे हैं, तो 100 आदमी जो सामने बैठा है वो सब मुखातब मुखातबीन होंगे, जिनसे बात की जा रही है। और जिस शख्स के बारे में आप बात करें वो होता है गायब। गायब उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। मुखातब जिससे बात की जा रही हो, जिससे, और गायब जिसके बारे में बात की जा रही हो, ये फर्क वादे थोड़ा सा नोट कर लें। आगे है उर्दू जुबान में मुतकल्लिम के लिए मैं और हम। मुतकल्लिम के लिए दो लफ्ज मैं और हम वाहिद जमा, मुखातब के लिए तू और तुम वाहिद जमा, गायब के लिए उस और वो वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे है जमाना और जमाना। जमाना वक़्त को कहते हैं, वक़्त जमाना वक़्त। जमाने में तीन है, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। मसलन आप बात कर रहे हैं तो आपके जो बात करने का दौरानिया है, जो बात कर रहे हैं वो है हाल, और उससे पहले का जो वक्त होगा वो होगा माजी, और बात करने के बाद जो वक्त होगा वो होगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल
तो ये है जमाने की तीन अकसाम, जमाने की तीन अकसाम। आगे है सलासी मुजर्रद, मुजर्रद लफ्ज़ को एक दफ़ा काट दें, ये आगे इस्तलाहात आएगी मुजर्रद की, अभी यहाँ पर इसकी तारीफ भी नहीं की गई। सलासी तीन हरफी इसम और फेल को सलासी कहते हैं, तीन हरफी इसम और फेल को। सलासी सलासतुन से है, सलासतुन का माना है तीन, तो उससे सलासी तीन हरफी। इल्मुन भी तीन, जैदुन भी तीन, शजरुन भी तीन, नसरा भी तीन, जराबा भी तीन, समया भी तीन। पहली तीन मिसालें इसम की हैं और दूसरी तो तीन मिसालें ये फेल की हैं। तो इसम भी सुलासी होता है और फेल भी सुलासी होता है। हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत, इल्लत बोलना है, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सहीहा, हुरूफ असलिया। हुरूफ इल्लत ये इनका मजमुआ है, इनको वाव अलिफ या, वाव अलिफ और या जिनका मजमुआ वाई बनता है इन्हें हुरूफ इल्लत कहते हैं। वाव अलिफ या वाई ऐसे बोल देते हैं, ऐसे भी बाद इसको लिख देते हैं वाई, वाव अलिफ या। हुरूफ तहजी अलिफ से लेकर अलिफ बा ता सा करते जाएं तो या तक जो हैं सारे के सारे हुरूफ तहजी, उनमें तीन हुरूफ तहजी हैं, कौन से? वाव अलिफ या, ये हैं हुरूफ इल्लत। बाकी सारे हुरूफ सहीहा, ये हुरूफ सैया, हुरूफ इल्लत के सिवा बाकी तमाम हुरूफ तहजी हुरूफ सैया कहलाते हैं, हुरूफ सैया। ये दो लफ्ज आपने याद करने हैं, तीन हुरूफ इल्लत हैं वाव अलिफ या, बाकी तमाम हुरूफ हुरूफ तहजी वाले उनको हुरूफ सैया कहने हैं। आखिरी दो इस्तलाहात रह गई, हुरूफ असलिया और हुरूफ जायदा। इसको आप जो है वो यूं समझें, एक है मसलन जनाबा, तो इसके मुकाबले में हम नीचे वजन लिखते हैं फा आला, तो जनाबा फा आला। फा आइन लाम को लफ्जों को पहले याद कर लें, फा आइन लाम, तो फा इसके मुकाबले में, आइन इसके मुकाबले में, लाम इसके मुकाबले में, तीन हरूफ इधर हैं तीन उधर हैं, इसके सारे हरूफ असलिया हो गए, असलिया सारे असली हैं जो फा आइन लाम के मुकाबले में आए, हरूफ असलिया, हरूफ असलिया वो हरूफ जो वजन करते वक्त फा आइन और लाम के मुकाबले में हों। फा आइन लाम ये वाले, फा आला जो हमने वजन बोला, जैसे नसौरा बर वजन फा आला, हमने जानाबा बोल दिया क्योंकि आगे मिसाल इजतनाबा आनी है तो उसको समझना आसान हो। जानाबा फाला फाइन नाम के मुकाबले में आ गया, तो ये हैं सारे हरूफ असलिया। अब यहाँ पर मिसाल हम जानाबा से अभी बनाते हैं इजतनाबा, तो इधर जानाबा जीम नून बा थे, तो जीम के मुकाबले में हम फा ही लेके आते हैं, नून के मुकाबले में उधर क्या था आइन, आइन ले आते हैं, और बा के मुकाबले में हम ले आते हैं लाम। अब जो ता है उसको उसी तरह इधर ले आए ता, और जो अलिफ है उसको उसी तरह इधर ले आए अलिफ। अब इस लफ्ज को जोड़कर बोलें बनेगा इफ ता आला, इफ ता आला बन गया, इफ ता आला ये वाला इफ ता आला। तो फा ऐन लाम के मुकाबले में जो है जीम नून बा वो है असली, और बाकी जो इधर अलिफ और ता के मुकाबले में अलिफ और ता आए हैं तो ये होंगे जायदा, यानी इजतनाबा में दो जायद हैं, इजतनाबा में दो जायद हैं, एक अलिफ और दूसरी ता, और तीन असली हैं हरूफ जायदा। वो हरूफ हैं जो वजन करते वक्त फा ऐन लाम के मुकाबले में ना हो, जो फा ऐन लाम के मुकाबले में ना हो, फा ऐन लाम के मुकाबले में, अगर फा इन लाम के मुकाबले में जो आए वो हुरूफ असलिया और जो फा इन लाम के मुकाबले में ना आए वो हुरूफ जायदा। आगे सवालात की तरफ आते हैं, तो पहला सवाल भी यही है कि हुरूफ असलिया और जायदा में फ़र्क बयान करें, तो यही जो वजन करते वक्त फा इन लाम के मुकाबले में आएंगे, फा इन लाम के मुकाबले में जो आएंगे वो असली, और जो फा इन लाम के मुकाबले में नहीं आएंगे वो जायदा, फा इन लाम के मुकाबले में असली और बाकी ये अलिफ और ता क्या हो जाएंगे ज़ायदा। ये आप आगे भी इंशाल्लाह तफसीलात के साथ पढ़ते चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर आप इतनी बात याद कर लें, जो फा ऐन लाम के मुकाबले में हो वो असली और जो फा ऐन लाम के मुकाबले में ना हो वो ज़ायदा, असली और ज़ायदा, असली और ज़ायदा।
दूसरा सवाल है, मुतकल्लिम और मुखातब किसे कहते हैं? तो ये आपने पढ़ लिया, मुतकल्लिम बात करने वाला, मुखातब जिससे बात की जा रही हो, जिससे बात की जा रही हो। मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें जिस हर्फ पर कसरा हो। कसरा से हमने पढ़ा था मकसूर, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। मकसूर को उठाकर इधर ले आए, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। ये जम्मा से मजमूम, फतह से मफतू। वो अलिफ और या को हरूफे वो अलिफ और या को हरूफे इल्लत कहते हैं। वो अलिफ और या को हरूफे इल्लत कहते हैं, जिनका मजमू हमने बनाया था वाई। इसी के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। रब जिदना इल्मा, रब्बना जिदना इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला व रिज़कन हलाल।